हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज बात करेंगे यूजीसी सीएसआईआर यूजीसी द्वारा आयोजित नेट और जेआरएफ की परीक्षा में जो कैंडिडेट्स जो एग्जामिनी जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं उनकी स्टाइपेंड कितनी होती है, जो अभी करेंटली चल रहा है वो स्टाइपेंड अमाउंट कितनी है और कितने वक्त तक वो स्टाइपेंड उन्हें दी जाती है और क्या कंडीशंस होंगे जब उन्हें स्टाइपेंड दी जाएगी, तो इसकी पूरी जानकारी हम लेते हैं इस सेशन में। छोटे से सेशन में हम इसकी पूरी डिटेल कवर करेंगे। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एक लाइक तो बनता है क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ आपके लिए यूजफुल वीडियोज ही लाती हूँ। उसके साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें क्योंकि बेल आइकन ना प्रेस करने से आपको अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, तो इसके लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चले आगे बढ़ते हैं। स्टाइपेंट ऑफ स्क्रीन पर आपके सामने स्टाइपेंट ऑफ रिसर्च स्कॉलर ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस और साइंस के जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को स्टाइपेंट मिलती है, तो कितनी मिलती है। चलिए आगे, मैंने ये डेटा कलेक्ट किया है और जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उनसे ये डेटा कलेक्ट की गई है, तो ये आप देख सकते हैं। जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड सीनियर एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप, इसके बारे में भी मैं बता दूं। जब जेआरएफ आप क्वालिफाई करते हैं आपको सर्टिफिकेट मिलती है, तो उसके बाद आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम या पीएचडी प्रोग्राम रजिस्टर करनी होती है। जेआरएफ क्वालिफाई करने का मतलब होता है कि आपको यूजीसी ने स्कॉलर समझा और आपको रिसर्च वर्क के लायक समझा, योग्य समझा, इसलिए वो आपको हेल्प करना चाहती है, सपोर्ट करना चाहती है रिसर्च वर्क के लिए। तो जब तक आप किसी भी पीएचडी प्रोग्राम या इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम या एमफिल पीएचडी प्रोग्राम को रजिस्टर नहीं करते हैं, ये अमाउंट मिलनी शुरू नहीं होती। जैसे आप रजिस्टर करते हैं गाइड के थ्रू आपको दी जाती है, तो पहले जो ये अमाउंट थी जेआरएफ फर्स्ट टू इयर्स दी जाती है जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसकी कंडीशन मैंने आपको बता दी। सिर्फ सर्टिफिकेट हाथ में आने से नहीं मिलेगा, इसके आगे आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा इंटीग्रेटेड पीएचडी या पीएचडी प्रोग्राम में। इसकी विशेष जानकारी भी आपको मैं नेक्स्ट सेशन में दूंगी कि कैसे क्या होता है। तो पहले जो रेट था 2010 में 16,000 रुपये पर मंथ मिलता था, ये मैंने ऊपर लिख दिया मंथली स्टाइपेंड, ये 16,000 रुपीज़ 2010 में चलता था, मंथली मिलता था 16,000 16,000 रुपये। 2014 में ये अमाउंट बढ़ा के 25,000 रुपये महीने कर दी गई, 25,000 रुपीज़ मंथली। एंड 2019 से जो न्यू रेट है वो है 31,000 रुपीज़ मंथली। इसके अलावा इसमें हाउस रेंट भी दिया जाता है, कुछ कैंडिडेट्स को रिसर्च वर्क के दौरान फ्लैट्स या एकोमोडेशन अवेलेबल कराई जाती है, इस केस में एचआरए नहीं मिलता, अदरवाइज एचआरए भी मिलता है। रूरल एरियाज़ के लिए एचआरए अलग होता है, अर्बन एरियाज़ के लिए अलग होता है और मेट्रो एरियाज़ के लिए अलग होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ। फिर भी ये अच्छी अमाउंट होती है, 2000 से लेकर 7-8 हज़ार तक होती है। चलिए आगे देखते हैं। सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप 2 साल के पीरियड में जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको दी जाती है। तीसरे ईयर में, थर्ड ईयर में जब सीनियर रिसर्च फेलोशिप की अमाउंट देनी होती है, तो उस वक्त ये इंश्योर किया जाता है कि आपने वाकई पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कर ली है और आपका पीएचडी वर्क शुरू हो गया है, तभी एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप दी जाती है, अदरवाइज नहीं दिया जाता है। जेआरएफ के बाद डिसकंटिन्यू भी हो सकता है, एसआरएफ की अमाउंट स्टाइपेंड अमाउंट नहीं भी दी जा सकती है, डिसक्वालीफाई जेआरएफ के बाद ये डिसकंटिन्यू भी किया जा सकता है। उसके लिए पैनल बैठती है और वो जज करती है आप क्या वर्क कर रहे हैं, आपका थीसिस वर्क कैसा चल रहा है या आपका क्या वर्क चल रहा है, आपको जो स्टाइपेंड दी गई आप उसको कहाँ और कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। और एसआरएफ देने के पहले ये इंश्योर किया ही जाता है कि आपने पीएचडी रजिस्टर कर ली है। तो एसआरएफ फिर थर्ड ईयर से लेके फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर तक, मतलब बाकी के 3 साल और एसआरएफ अमाउंट दी जाती है, जो 35,000 रुपीज़ मंथली होती है। पहले ये 2014 में 28,000 थी, 2019 में ये 35,000 कर दी गई और उसके भी काफ़ी पहले 2010 से 2014 के बीच में 18,000 रुपये मंथली मिलती थी प्लस हाउस रेंट। तो होप ये क्लियर हो गया कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप 2 साल के लिए, सीनियर रिसर्च फेलोशिप उसके नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए, लेकिन
सीनियर रिसर्च फेलोशिप जरूरी नहीं है कि आपको मिले, वो डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं अगर आपने पीएचडी रजिस्टर नहीं किया या आपका वर्क सेटिस्फैक्ट्री नहीं चल रहा है तो। इसके अलावा जो कंटिंजेंसी अमाउंट कुछ दिया जाता है, 10,000 रुपीज एनुअल दी जाती है, वो 2014 में 10,000 था, जो बढ़ के 2019 में कंटिंजेंसी अमाउंट ₹20,000 ये एनुअली दी जाती है, एक बार दी जाती है जैसे कुछ छोटे मोटे खर्चों के लिए। ये यूनिवर्सिटी को या कॉलेज जहाँ से आप पीएचडी कर रहे हैं उनको दी जाती है। तो इसके अलावा मैंने आपको बोला कि एचआरए आपको मिलता है यहाँ पे, तो एचआरए मिल के अमाउंट थोड़ी और बड़ी हो जाती है। तो इस तरीके से मिनिमम, एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट 31,000 और SRF करते वक्त 35,000। तो इस तरीके से आपको JRF SRF एक जॉब की तरह हो जाता है जिसमें आपसे वर्क एक्सपेक्ट किया जाता है, रिसर्च वर्क एक्सपेक्ट किया जाता है, जो आपके लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि आपकी PhD हो जाती है, साथ ही साथ आपको पैसे भी मिलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। इसीलिए कैंडिडेट ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उन्हें JRF मिले। तो होप ये जानकारी मैंने आप तक पहुँचाया और ये आपके लिए यूज़फुल हो और आप इसे समझ पाए होंगे। इसके आगे मैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप पे और डिटेल लेके आऊँगी कि क्या उसकी टेन्योर है और बाकी भी काफ़ी सारी जानकारी जो JRF से जुड़ी हुई है, वो मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इसमें क्या सुझाव देना चाहते हैं, मैं आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ। मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और आप सभी को बेस्ट विशेज़। थैंक यू वेरी मच।